पायलट की गाड़ी आते हुए सचिन पायलट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो मीडिया से बात करते हैं। सचिन पायलट यहाँ पहुँचते हुए कह रहे हैं कि बाद में इस बारे में बात करेंगे, अभी अभी बात करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हुआ, गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक टूटे, उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस नहीं चाहती किसी भी तरह का कोई भी रिस्क जो है कांग्रेस लें। सचिन पायलट से पहले यहाँ पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुँचे, खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पर पहुँचे, हालांकि मीडिया से बात अभी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही अभिनव जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि क्या विधायकों को जब रिजोर्ट में रखा जाएगा उसके बाद क्या उन्हें वापस आने की अनुमति होगी। ये देखिए एक तीसरी बस यहाँ पर, जिन विधायकों की हम बात कर रहे थे कि विधायक अभी यहाँ पर मौजूद हैं, वो विधायक देखिए अभी यहाँ पर जो बस है वो यहाँ से रवाना होते हुए विधायक इसमें बैठे हैं। सबसे आगे आप देख सकते होंगे ममता भूपेश जो मंत्री हैं, वो सीट पर एक तरीके से विक्ट्री का निशान बनाती हुई कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं काफ़ी जितने भी विधायक यहाँ पर हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। ममता जी कहाँ जा रहे हैं आप? रघु जी अब जहाँ जी कहाँ ले जाए जा रहे हैं? देखिए मीडिया कर्मियों ने कोशिश की अभिनव बस यहां से रवाना होते हुए, विजय एक बार आपको दिखा दें फिर से, यहां से रवाना होती हुई और अब तीसरी बस ये जा रही है होटल शिव विलास, और यहां से तो जैसा हमारे संवाददाता सुशांत पारेख दिखा रहे थे, तीसरी बस भी विधायकों को लेकर रवाना हो गई है शिवविलास होटल के लिए, और लगातार तमाम विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस दरमियान हमने दिखाया कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और कहा कि वो अब से थोड़ी देर बाद मीडिया से तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी है वो स्पष्ट होती नजर आ रही है कि कांग्रेस इस वक्त बाड़े बंडी में लगी है। सुशांत हमारे साथ एक बार फिर से बने हुए हैं। सुशांत, समझना ये चाहेंगे कि जिस तरह से आपने दिखाया तस्वीरों के जरिए कि तीसरी बस भी निकल गई है, ऐसे में तय है कि तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस खेमे के उन्हें बाड़े बंदी में रखा जाएगा, श्रीविलास ले जाया जाएगा, क्योंकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि यह संख्या कम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से तीसरी बस निकली है और उसमें मंत्री भी नजर आ रहे हैं तो माना जाए कि तमाम विधायकों की बाड़े बंदी होगी। बिल्कुल अभिनव, अब जो लग रहा है जिस तरह के हालात, हालांकि पहले ये था कि मुख्यमंत्री आवास पर ही 7:30 बजे बैठक होगी और सीएम यहीं पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि जो विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें शिवविलास होटल में शिफ्ट किया जा रहा है बस के जरिए। तीन बसों में करीब ये बताया जा रहा है कि 60 से 70 जो विधायक हैं वो शिवविलास होटल ले जाए गए हैं। कुछ विधायक जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले थे वो जयपुर पहुंच रहे हैं सीएम आवास से, उनके लिए चौथी बस भी तैयार है। ऐसे में अब ये धीरे धीरे ये लगने लगा है कांग्रेस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खासतौर पर ऐसे समय में जब गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है, उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार गंवा चुकी है। राज्यसभा के दोनों प्रत्याशी जो हैं वेणुगोपाल राव जो कांग्रेस के संगठन महासचिव भी हैं और प्रभारी जो हैं रणदीप सुरजेवाला, उनको एयरपोर्ट पर हमने सुना देखा, और नीरज डांगी जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी सीएम आवास पर मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पहले संभावना है कि वहाँ चर्चा करेंगे, वहाँ पर डिनर होगा, खाना होगा, और उसके बाद उन्हें कोई एक नया दिशा निर्देश जो पार्टी आलाकमान की तरफ से या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है वो बताई जा सकती है। लेकिन हमें इस बात की अभी कंफर्म सूचना नहीं है कि वहाँ क्या रखा जाएगा, क्योंकि जितने विधायकों से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह का
ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है कि आप अपने कपड़े लेकर आइए, अपना सूटकेस लेकर आइए। लिहाजा क्या उन्हें जो है इस तरह की गाइडलाइन आने वाले दिनों के लिए दी जाएगी, क्योंकि आज अगर बात करें 10 जून है, अभी 19 तारीख को चुनाव है, तो 9 दिन शेष हैं। क्या 9 दिन की बाड़ेबंदी कांग्रेस करेगी? और कैमरामैन विजय आपको दिखाए, चौथी जो बस जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो विधायक धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, वो अब यहाँ से चौथी बस के जरिए रवाना होते हुए और सभी विधायकों को होटल शिवविलास इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि शिवविलास एक तो दिल्ली रोड पर है, आवागमन में सुविधा है, दूसरा गुजरात कांग्रेस के जो विधायकों को जब यहाँ लाया गया था तब उनको यहाँ पर रखा गया था होटल शिवविलास में, इस लिहाज से भी जो है मुफीद है। वहाँ की परिस्थितियों को लेकर कहें, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कहें, कांग्रेस के नेता भलीभांति जानते हैं और विधानसभा के सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक जो हैं महेंद्र चौधरी, दोनों नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है वहाँ पर। सुबह से आज व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं और दोनों नेताओं की जिम्मेदारी भी है कि सभी विधायकों को वहाँ पर सकुशल लेकर जाया जाए। सुशांत, चौथी बस भी निकल गई है, ऐसे में सवाल ये है कि इस पूरी स्थितियों के बीच कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया, इसको कैसे देखा जाए? इसे डिफेंसिंग मोड माना जाए या फिर माना जाए कि समय रहते कांग्रेस जो है अटैकिंग मोड में है? इस बार ना विरोधियों को कोई मौका दिया जाएगा, ना कोई चूक, ना कोई गलती, या फिर माना जाए कि कई बार वो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही वजह है कि वक्त रहते बाड़ेबंदी हो रही है। तो एग्रेशन है, अटैकिंग मोड है या डिफेंसिंग मोड है? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय परिदृश्य के लिहाज से कहें तो आपने जो कहा कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उस लिहाज से कांग्रेस का ये कदम, लेकिन स्टेट की परिस्थितियों के हिसाब से कहें तो राजस्थान, अभिनव अगर आप याद करें तो राजस्थान वो स्टेट रहा है पिछले कुछ समय से जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए संकट मोचन की स्थिति में रहे हैं। भले ही वो महाराष्ट्र में जब सियासी संकट हुआ था उस समय की बात हो, या मध्य प्रदेश के विधायकों को लाने की बात हो, या फिर जो गुजरात कांग्रेस के विधायकों को यहाँ रखा गया, हमेशा कांग्रेस ने राजस्थान की तरफ देखा। ऐसे में अगर ये समय रहते हुए इसे हम कह सकते हैं कि उठाया गया कदम, की अगर किसी भी प्रकार की कोई कोशिश की गई भाजपा की तरफ से, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार कयास लग रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया कि भाजपा नेता हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, कई तरह के भाजपा नेताओं के ऑडियो सामने आए, ऐसे में ये समय रहते उठाया गया कदम है जिसकी बात मैं कर रहा था कि आज 10 जून है और 19 को वोटिंग होगी। 9 दिनों का फासला अगर हम कहें तो 9 दिनों की बाड़ेबंदी अगर आप अपने स्टेट में करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण और समय रहते उठाया गया कदम है। लेकिन कांग्रेस का जो कुनबा है अभिनव, अगर उसको समझें तो यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी उस तरह की नहीं है। भले ही भाजपा ने ओंकार सिंह लखावत के तौर पर दूसरा कैंडिडेट उतार दिया हो, लेकिन आंकड़ा अभी भी बहुत दूर है। करीब 25 से 30 विधायकों के बीच में उन्हें जो है अपनी दूसरी सीट जिताने के लिए विधायक चाहिएंगे, और जब लीडरशिप इतनी मजबूत हो, ऐसे में जब आपके पास 12 से 13 एसोसिएट विधायकों का समर्थन हो, आपके पास अपना कुनबा मजबूत हो, बसपा के जो 6 विधायक हैं उनको आप अपने दल में शामिल करवा चुके हो, ऐसे में इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के किले में सेंध लगाना। लेकिन फिर भी समय रहते अगर आप अपनी कुनबे को बचा सके, मजबूत रख सके, तो वो कदम राजनीति में उठाने बेहद जरूरी भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। उस लिहाज से रणनीति समय पर उठाया गया कदम इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल, समय पर उठाया गया कदम है और यही वजह है कि अशोक गहलोत को संकट मोचक भी कहा जाता है। शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।